हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की, यानी एक्सेल की बात करेंगे। एक्सेल में एक खास फॉर्मूला है लेट का, तो ये आपको ऑफिस 365 में ही मिलेगा। तो यहां से पहले एक्सेल को ओपन करता हूं। लेट फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू लगाएंगे, ये तो आपको पता है ही, क्योंकि एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला इक्वल्स टू के निशान से शुरू होता है। और यहां पे लगाएंगे लेट, ये लेट लगा दिया। ये लेट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, 2019 में नहीं मिलेगा, 2016 में नहीं मिलेगा और अदर वर्जन में नहीं मिलेगा। ये आपको ऑफिस 365 में ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है। और ये सिंटेक्स क्या कहता है, कह रहा है नेम वन, नेम फिर लिखा हुआ है वैल्यू वन, फिर कैलकुलेशन और नेम, और फिर इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं ए, ठीक है। और इस ए के अंदर हम चाहते हैं कि 5 असाइन हो जाए, ठीक है। वैल्यू क्या असाइन हो जाए, 5 असाइन हो जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर हम कहेंगे कि इस बी के अंदर, ये जो बी है, बी नाम का वेरिएबल हम बना रहे हैं, इसके अंदर 2 असाइन हो जाए। ये हमने कर दिया ना, बस आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पे करना है ए इंटू बी, ठीक है। यानी हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंटर किया, जैसे ही एंटर किया तो यहाँ रिजल्ट मिलता है 10, देख सकते हैं, ये 10 रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये 10 जो रिजल्ट आएगा आपका, ये कुछ इस तरीके से ये कैलकुलेट कर रहा है कि पहले ए एक वेरिएबल है, ए में क्या असाइन है, 5, ठीक है। तो 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा लेट फॉर्मूला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ऑफिस 365 में ही मिलेगा, ये और कहीं नहीं मिलेगा, ऑफिस 365 में ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और भी ऐड किया जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी, एक और वेरिएबल बना दिया, सी बना दिया, और यहाँ पे कर देता हूँ 3, यहाँ पे 3 कर दिया, फिर कॉमा लगा देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई भी तो किया है, तो यहाँ ए टू बी किया, ए टू सी भी करना होगा आपको, ये सी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 30 रिजल्ट आ रहा है। अब इस 30 का क्या क्या मतलब क्या है, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, इंटू 3 क्या होता है, 30 होता है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको ऐड करना चाहें तो यहाँ पे खाली आप लगा दीजिए प्लस का साइन, ठीक है, ये लगा दिया प्लस, ओके। एक बार प्लस लगाएंगे, दो बार एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब ये ऐड करने लगेगा। तो ये लेट फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से काम करता है, और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में ही मिलेगा, अदर जगह आपको ये नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर सकते हैं, आगे इस पर और वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।